हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की नई वीडियो में हम बनाने वाले हैं तीन तरीके की रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो हम ड्रिंक बना रहे हैं वो है कच्चे आम की। तो सबसे पहले हमें कच्चे आम को अच्छे तरीके से पील कर लेना है। अब हमें पीसेस में कट कर लेना है इसे। मैंगो के कट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर को ऐड करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 आइस क्यूब्स एंड आइस क्यूब्स के बाद हम इसमें डालेंगे फूड कलर। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच ड्राई पुदीना। ड्राई पुदीना को डालने के बाद अब हम यहाँ डालेंगे थोड़ा सा स्वाद अनुसार बना नमक। इसके बाद अब हम लगाएंगे इसमें थोड़ा सा पानी, और पानी को लगाने के बाद हमने इसको ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद हमारी रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन के रेडी हो चुकी है गाइस। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंगो में विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए और हमारी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हमने इसमें ब्लैक सॉल्ट डाला है जो कि हमारे डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है और ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाता है। तो नेक्स्ट हम बनाने वाले हैं मैंगो जूस। मैंगो जूस बनाने के लिए हम पके आम को अच्छी तरीके से पील करके जार में निकाल लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर को ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूटी, एंड फ्रूटी को ऐड करने के बाद हमने इसे ग्राइंड किया और यहाँ पे हमारी दूसरी ड्रिंक भी बन के रेडी हो चुकी है। सो मैंगो ड्रिंक हमें हेल्दी रखता है एंड ये भी हमारे डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, और स्पेशली ये प्रेगनेंसी में लेडीज़ को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, तो इससे हमें ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। सो एट लास्ट हम बनाने वाले हैं लीची का जूस। लीची का जूस बनाने के लिए हमने लीची को छील लिया है और इसके अंदर का बीज निकाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर को ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, और पानी को डालने के बाद हमने इसे ग्राइंड किया, एंड फाइनली हमारी थर्ड ड्रिंक भी बनके रेडी हो चुकी है। सो लीची का जूस कंज्यूम करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इसको कंज्यूम करने से हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी हेल्दी रहता है, तो इसलिए हमें लीची का जूस ज़रूर पीना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे तीनों रिफ्रेशिंग ड्रिंक बन के रेडी हो चुके हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा एंड इसे अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।